गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, मैं आज आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, 12th चैप्टर, जिसका नेम है हेरोइंस फार्मूला। अब ये क्या होता है और इससे अपन क्या करते हैं, इसके बारे में आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो ध्यान दें, हेरोइंस फार्मूला का यूज़ किसी भी ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए किया जाता है। उसकी बस अपन को साइड्स पता होने चाहिए, देन उसके बाद अपन एरिया इजीली फाइंड करते हैं किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो। ठीक है, तो हेरोइंस फार्मूला का मेन पर्पस यही है कि किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसको अपन बस उनकी अपन को साइड्स पता हो तो अपन उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोइंस फार्मूला, मतलब हेरोइंस फार्मूला का यूज करके अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर दिए। तो ध्यान दें, सबसे पहले अपन लोगों को एक ट्रायंगल पता होना चाहिए, ठीक है, और उसकी क्या पता होनी चाहिए, साइड्स, उनकी अपन को साइड पता होनी चाहिए। जैसे मान लो इसकी लेंथ अपन ने ए मान ली, इसकी क्या मान ली, बी, और इसकी क्या मान ली, सी। तो इसमें सबसे पहले अपन एस फाइंड करते हैं। ठीक है, एस क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब जो इस ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर है उसको अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो हाफ कैसे करेंगे, सभी को ऐड करके टू का डिवाइड, तो एक फॉर्मूला अपना क्या हो गया, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये हेरोइंस फार्मूले के है अंडर रूट ऑफ एस, एस मतलब ये सेमी पेरीमीटर, अगर अपन को इनकी वैल्यू पता है तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे और इसमें पुटअप कर देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करके अपन किसी भी ट्रायंगल का क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया, अगर उनकी अपन को क्या पता हो, साइड्स पता हो। ठीक है, अब इसको हेरोइंस फार्मूला नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हेरोइन ने इसको डिफाइन किया था अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताने के लिए हेरोइन ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हेरोइंस फार्मूला। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, तो ध्यान दें, जिसमें इसका यूज होगा, इन फॉर्मूले का यूज होगा, इसमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग, मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है, स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और उन्होंने बता भी दिया उस साइड की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोइंस फार्मूला, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, मतलब हेरोइंस फार्मूला का यूज करके अपन को इस सिग्नल बोर्ड का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, अगर इसका अपन को पेरीमीटर गिवन है। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, उनने ये कहा है सभी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड की वैल्यू क्या दी, स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, और ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, इसको नेम दे दे रहा है ए बी और सी। ठीक है, अब गिवन में क्या दिया हुआ है अपन को, पेरीमीटर, तो अपन जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर अपन को गिवन कितना है, 180, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3a is equal to 180, सो a is equal to 960, a की वैल्यू कितनी आई, 60। ठीक है, तो देखें, ध्यान दें, अपन को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 60, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 60, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 60, मतलब तीनों साइड्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 60 60। लेकिन अपन को फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अपन इन तीनों को अलग अलग मान ले रहे हैं, इसको अपन ने ए माना है, इसको क्या मानेंगे, बी, और इसको सी, जो कि मैं आप लोगों के लिए आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये सभी ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो मैं आगे अप्लाई करूंगा ये फॉर्मूले, वहीं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दें, इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ए इज 60, तो ये भी ए है, ये भी है, ए भी है, लेकिन अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो अपन इसको अलग अलग मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहा हूं मैं ए, इसको क्या मान ले रहा हूं बी, और इसको सी, तीनों की वैल्यू कितनी है, 60 60 और 60, ये मैंने अलग से अज्यूम कर लिया है। ठीक है, क्योंकि अपन को हेरोइंस फार्मूला का यूज करना है और उसमें ए बी सी का यूज है, इसीलिए मैंने यहां बनाया है। ठीक है, तो अब हेरोइंस फार्मूला से इसका अपन क्या फाइंड करेंगे, एरिया, तो इसके लिए पहले एस फाइंड करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, एस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए 60, द वैल्यू ऑफ बी इज 60, द वैल्यू ऑफ सी इज 60 अपॉन टू।
तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 अपॉन 2, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो द वैल्यू ऑफ एस इज 90। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है जिससे अपन को सेमी पेरीमीटर आ चुका है। अब अपन एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं रफ करता हूँ, माइहेरोंस फॉर्मूला। अपन इस ट्राइंगल का क्या फाइंड करेंगे, एरिया, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो ध्यान दें, यहाँ अपन अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें अपन वैल्यू पुट अप करेंगे, द वैल्यू ऑफ एस इज 90 माइनस द वैल्यू ऑफ ए इज 60, 90 माइनस द वैल्यू ऑफ बी इज ऑल्सो 60, द वैल्यू ऑफ सी इज ऑल्सो 60, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 90 एज इट इज, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे 30, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे 30 आएगा, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना आएगा 30। अब अपन को पेयरिंग करनी पड़ती है, तो सबसे पहले 90 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 30 इंटू 3 लिख दिया 90 को, और ये एज इट इज 30 इंटू 30, ठीक है। अब इनकी पेयरिंग कर लेंगे अपन, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे 30 इंटू 30, अंदर क्या बचेगा रूट 3, इसका इसमें इंटू करेंगे कितना आएगा 900√3, तो ये अपना क्या आ जाएगा इसका एरिया। इसको अपन ऐसे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, गिवन में अपन लोगों दी होगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर अपन को मीटर दी हुई है तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में अपन लोगों को सेंटीमीटर दी हुई है तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।